इस वीडियो में कवर करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में खेले जाने वाले 11th आईपीएल मैच को। अभी तक टोटल 10 मैचेस खेले गए, सभी मैचेस में वन सेडेड ग्रैंड लीग्स और स्मॉल लीग्स विन किया हमने। रिजल्ट प्रूफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर देख सकते हो, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन में है। यहां पर आपको टीम्स एंड विनिंग स्क्रीनशॉट्स दोनों का प्रूफ देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसी रहेगी भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकन्ना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ का पिच, क्या रह सकती है दोनों टीम्स की प्लेइंग 11, किसको पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस कौन होगा, कौन से हाई सिलेक्टेड बड़े प्लेयर इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं एंड कौन से लो सिलेक्टेड डिफरेंशियल गेम चेंजर ट्रम्प कार्ड प्लेयर इस मैच में परफॉर्म करेंगे, स्मॉल लीग्स और ग्रैंड लीग्स की टीम कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट करना है, सब कुछ इस वीडियो में पता चलने वाला है। बस एंड तक इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप सभी के लिए इस वीडियो में ढेरों सारा फ्री गिवअवे है। और इस गिवअवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है और क्या उसके रूल्स है आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहे होंगे। सिंपल से आपको चार रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। सेकंड, आपको इस वीडियो को लाइक करना है। थर्ड, आपको इस वीडियो पे कमेंट करना है। फोर्थ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे करना है। जो फर्स्ट 5 यूजर्स इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करेंगे उनको गिवअवे प्राइज मिलेगा। 5 रैंडम रेगुलर यूजर्स को गिवअवे प्राइज मिलेगा। फर्स्ट 5 यूजर्स जो इस वीडियो में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर अगर सही देंगे तो उनको गिवअवे प्राइज मिलेगा। और एक यूजर को मिलेगा 1 लाख रुपीज आईपीएल 2024 के एंड में, जो सभी वीडियोस को फुल वॉच करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे करेगा। ये गिवअवे डेली होगा, हर वीडियो में होगा। सभी लोग इस गिवअवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन सिंपल से रूल्स को फॉलो करके। 4 गिवअवेज होंगे डेली हर वीडियो के अंदर और आप फ्री में ढेरों सारा अमाउंट यहां से विन कर सकते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं। बट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, लाइनअप्स के बाद कई सारे ऐसे अपडेट्स होते हैं जो यूट्यूब पे हम कवर नहीं कर पाते हैं, लाइक फाइनल पिच रिपोर्ट, कंफर्म प्लेइंग 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग टीम से हम खेलते हैं सेम टीम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। एंड डेली टेलीग्राम यूजर्स के लिए 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक बिल्कुल फ्री गिवअवे रहता है, उन सबका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना कैसे है, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन दोनों ही जगह आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक कीजिए और फ्री टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कीजिए। और आप में से काफी ऐसे मेरे भाई होंगे जो कि पहली बार इस चैनल के वीडियो को देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें, फ्रेश पिच का इस मैच के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। पिच की बिहेवियर की बात करूं, न्यूट्रल और बैलेंस्ड विकेट यहां का रहता है। इवन आप कह सकते हैं बॉलिंग फ्रेंडली यहां का सरफेस रहता है। लास्ट सीजन आईपीएल 2023 में टोटल 6 मैचेस खेले गए थे और बॉलर्स ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किए थे। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 मैचेस जीती थी, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 मैचेस विन की थी एंड सभी मैचेस का आप लोग इनिंग वाइज स्कोर कार्ड देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द मैचेस के अंदर काफी लो स्कोरिंग गेम देखने को मिला था और प्रत्येक मैच में काफी ज्यादा विकेट गिर रहे थे। अब यहां पर इतना रन समय क्यों कम देखने को मिलता है, सबसे बड़ा रीजन है पिच का स्लोनेस। बहुत ज्यादा आपको पिच स्लोअर साइड पर देखने को मिलेगा, ओवरऑल पिच ड्राई रहता है, क्रैक्स आपको पिच के अंदर देखने को मिल जाएंगे। स्पिनर्स गेंदबाज को अच्छा खासा टर्न और विकेट से ग्रिप देखने को मिलता है और जैसे जैसे गेम आगे की तरफ प्रोग्रेस करता है पिच स्लो होता है और बल्लेबाजी करना और डिफिकल्ट होते चला जाता है। सो ओवरऑल यहां पर क्वालिटी बैट्समैन जो रुक कर टिक कर बल्लेबाजी करे इंपॉर्टेंट रहेंगे, लाइक केएल राहुल। आते ही जो बल्लेबाज बड़ी शॉट्स के लिए ट्राई करेंगे उनका विकेट जा सकता है। स्पिनर्स एज यूजुअल इस पिच पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फास्ट बॉलर में से आपको वैसे फास्ट बॉलर को ट्राई करना है जो स्लोअर बॉल, कटर बॉल, डेथ में बॉलिंग करते हैं, क्योंकि विद द न्यू बॉल यहां पर स्विंग और मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ग्रास की कवरिंग न के बराबर यहां पर रहती है और ग्रास होती भी है तो लाइव ग्रास नहीं रहती, वो डेड ग्रास होता है जिसका प्राइमरली यूज करते हैं पिच को अच्छे से होल्ड करने के लिए, जिससे पिच जल्दी खराब ना हो। यहां पर आपके लिए नबीनुल हक, मोहसिन खान, इस टाइप के जो पेसर्स गेंदबाज होंगे काफी ज्यादा इफेक्टिव रहने वाले हैं, जो डेथ में बॉलिंग करेंगे, जो यहां पर अच्छे खासे वेरिएशंस दिखाएंगे, चाहे लेंथ के अंदर हो चाहे पेस के अंदर हो। तो उस टाइप की गेंदबाज को आपको अपने टीम के अंदर कंसीडर करके चलना है। लखनऊ सुपर जायंट्स का होम वेन्यू में टोटल 6 मैचेस टीम खेली है, 3 मैच जीती है, 3 मैच हारी है। पंजाब किंग्स की टीम 1 मैच खेली है, जीती है। इकोनॉमी रेट पेसर्स और स्पिनर्स दोनों के आपको बेहतर देखने को मिलेंगे। स्पिनर्स के इकोनॉमी रेट ज्यादा बेहतर पेसर्स के कंपैरिजन में, बट विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात करूं तो स्ट्राइक रेट आपको दोनों गेंदबाज के बेहतर मिलेंगे।
तेज गेंदबाज को भी लगभग यहां पर 18 बॉल लगे एक विकेट निकालने के लिए और स्पिनर्स को भी लगभग 18 बॉल लगे एक विकेट निकालने के लिए। तो यहां पर दोनों ही टाइप के गेंदबाज को मदद मिलता है। यहां पर बैट्समैन आपके लिए थर्ड प्रायोरिटी होंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी स्पिनर्स, देन आपके लिए कटर बॉलर्स एंड देन लास्ट में आपके लिए क्वालिटी बैट्समैन। तो इस तरीके से आपको अपनी फैंटेसी कॉम्बिनेशन टीम इस मैच में क्रिएट करके चलना है। विकेट्स इन आईपीएल 2023 टोटल 44 विकेट्स मिले पेसर्स को एंड 41 विकेट्स मिले स्पिनर्स को। रन्स पर ओवर सिंस आईपीएल 2023 प्रति ओवर 7.36 के अराउंड रन्स बने हैं, यानी 150 से नीचे यहां का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट आप स्कोर बोल सकते थे। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो टोटल 6 मैचेस जो आईपीएल 2023 में खेले गए, 44 विकेट्स मिले पेसर्स को, 41 विकेट्स मिले स्पिनर्स को। फर्स्ट इनिंग के अंदर 21 विकेट्स मिले पेसर्स को, सेकंड इनिंग्स के अंदर 23, राइट आर्म फास्ट बॉलर को 32 विकेट्स, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को 12 विकेट्स। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग के अंदर 24 विकेट्स मिले, सेकंड इनिंग्स के अंदर 17, राइट आर्म ऑफ स्पिनर को 8 विकेट्स। लेग ब्रेक स्पिनर गेंदबाज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, 21 विकेट्स उन्होंने निकाले हैं, लगभग 50% विकेट उन्होंने अकेले निकाले हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज को 9 विकेट एंड लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर को 3 विकेट्स मिले। अब देखो दूसरी पारी में अगर ड्यू आता तो थोड़ा सा रोल कम हो जाएगा स्पिनर का, और तो ज्यादा हमें ड्यू देखने को नहीं मिलता है। आपके लिए स्पिनर दोनों पारी में इंपॉर्टेंट रहेंगे, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट मैच खेला गया था 16 मई 2023 को बिटवीन लखनऊ सुपर जायंट्स एंड मुंबई इंडियंस। इस पर्टिकुलर मैच के अंदर 5 विकेट्स मिले थे फास्ट बॉलर को एंड 3 विकेट्स मिले थे स्पिनर्स को। बाउंड्री साइज ग्राउंड डायमेंशंस की बात करें, स्ट्रेट बाउंड्री सामने की बाउंड्री आपको 78 मीटर देखने को मिलेगी, तो बाउंड्री भी काफी बड़ी आपको देखने को मिलती है। यही एक रीजन है, एक तो पिच स्लो रहता है, ऊपर से बाउंड्री साइज ग्राउंड डायमेंशन इतनी बड़ी होती है, तो लिटरली यहां पर चौके और छक्के हमें काफी कम देखने को मिलते हैं। यही रीजन रहा कि यहां पर लो स्कोरिंग गेम मोस्ट ऑफ द मैचेस के अंदर देखने को मिला है। स्क्वायर बाउंड्रीज भी आपको काफी बड़ी देखने को मिलेगी, 75 एंड 61 मीटर। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग बाउंड्री भी आपको 81 एंड 71 मीटर देखने को मिलेगी। वेन्यू रिकॉर्ड्स की बात करें, T20 के अंदर ओवरऑल यहां पर 6 मैचेस खेले गए, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 मैचेस जीती है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 मैचेस विन की। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 152 है, हाईएस्ट स्कोर यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 193, लोएस्ट स्कोर भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 108 जब आरसीबी ने इनको ऑल आउट किया था। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे, टोटल जो 6 मैचेस खेलेगा आप इसकी पैटर्न देख सकते हो, 150 से नीचे 3 टाइम्स स्कोर बने, 150-170 1 टाइम, 170-190 1 टाइम्स एंड 190 प्लस यहां पर 1 टाइम स्कोर बने हुए हैं। अब यहां पर एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जो टीम पहले टॉस विन करेगी बल्लेबाजी करना प्रेफर करेगी। रीजन क्या है, बाद में बल्लेबाजी करना और डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे गेम आगे की तरफ प्रोग्रेस करेगा पिच यूज होगा और पिच और ज्यादा यहां पर डिफिकल्ट होता जाएगा बल्लेबाजी के लिए। वेदर बिल्कुल क्लियर रहने वाला है, बारिश के इस मैच के अंदर चांसेस नहीं है। दोनों टीमों के बीच में ओवरऑल 3 हेड टू हेड मैचेस खेले गए हैं, 2 मैच लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जीती है एंड 1 मैच पंजाब किंग्स की टीम जीती है। टीम न्यूज अपडेट्स की बात करें, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके नहीं आ रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करूं, केएल राहुल एंड क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करते नजर आएंगे, नंबर 3 पे देवदत्त पड़िकल, नंबर 4 पे आयुष बदौनी, नंबर 5 पे दीपक हुड्डा, निकलस पुरन, मार्कस ट्वेनिस, कृणाल पांड्य, रवि बिश्नोई, नबीनुल हक, यश ठाकुर एंड मोहसिन खान। पंजाब किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करूं, शिखर धवन एंड जॉनी वेस्टो ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पे प्रभ सिमरन सिंह, नंबर 4 पे लियम लिविंगस्टोन, नंबर 5 पे श्याम करण, जितेश शर्मा, शशांक सिंह, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, राहुल चेहर एंड कगिशोर अबाडा। देखो यहां पर एक चेंजेस देखने को मिल सकता है, जॉनी वेस्टो या फिर लियम लिविंगस्टोन, इन दोनों में से किसी एक के प्लेस पर सिकंदर रजा को टीम मौका दे सकती है, बिकॉज सिकंदर रजा का रोल इस पिच पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के हर एक प्लेयर के बारे में फुल डिटेल में। स्टार्ट करते हैं केएल राहुल से। अगेंस्ट पंजाब किंग्स 34 का इनका एवरेज, अपने फॉर्मर टीम के अगेंस्ट खेलेंगे। वेन्यू पे इनका 53 का एवरेज है, वाइल बैटिंग फर्स्ट एंड बैटिंग सेकंड दोनों इनिंग्स में नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस इनका रहा है। अब यहां पर ये ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए रहे क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ये जोखिम भरा शॉट्स नहीं खेलते हैं, रुककर टिककर बल्लेबाजी करते हैं, इनिंग्स को के लिए बिल्डअप करते हैं और रीसेंट फॉर्म भी आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। स्पेशली अगर मैं आईपीएल की बात करूं तो आईपीएल में ये काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, आप कोई भी एडिशन उठा करके देख लीजिए, इनकी परफॉर्मेंस आपको आईपीएल में बेहतर ही देखने को मिलेगी। और लास्ट मैच के अंदर भी 50 प्लस स्कोर करके आ रहे, सामने कोई मुझे बहुत बड़ा थ्रेट दिख नहीं रहा। रबाडा इनको जरूर 3 बार आउट किए, बाकी इसके अतिरिक्त और किसी गेंदबाज ने इनको 1 से ज्यादा बार आउट नहीं किया है। सो केएल राहुल वाइल बैटिंग फर्स्ट आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग्स एज वेल एज ग्रैंड लीग्स के अंदर। क्विंटन डिकॉक भी ओपनिंग करेंगे, 37 का इनका एवरेज है पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, और जब चेज करते हैं तो 41 का एवरेज हो जाता है। इस वेन्यू पे 1 मैच खेले, 16 इन्होंने स्कोर किया। अब देखो क्विंटन डिकॉक इतने स्लो विकेट पे ज्यादा बड़ी पारी खेलकर देंगे, इसकी चांसेस कम है, तो पहला चीज आप इनको कप्तान विस कप्तान बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। अब बात रहा कि इनको स्मॉल लीग्स में एज अ प्लेयर पिक कर सकते हैं, देखो स्मॉल लीग्स के अंदर आप ट्राई कर सकते हो एज अ प्लेयर, और ग्रैंड लीग्स में ड्रॉप भी करने का रिस्क ले सकते हो, बिकॉज रीसेंट फॉर्म इनका कहने की बहुत बड़ा कंसर्न है। पिछले अगर आप इनके 10 से 15 इनिंग्स उठाकर देखेंगे T20 के, तो वहां पर सिर्फ
सिर्फ आपको एक अच्छी स्कोर देखने को मिलेगी विद द न्यू बॉल। अर्शदीप सिंह इनके लिए थ्रेट होने वाला है, इसके अतिरिक्त कोई बहुत बड़ा सामने थ्रेट नहीं है, बट स्टिल विकेट फ्रेंड्स यहां पर अपना ये फेंक सकते हैं जब स्पिनर्स गेंदबाज बॉलिंग करने आएंगे, खासतौर पर इस पिच के ऊपर। तो टीम में आप इनको एज अ प्लेयर पिक करने स्मॉल लीग्स के अंदर, ग्रैंड लीग्स के कुछ टीम्स पर इनको ड्रॉप जरूर करना, स्पेशली पहले अगर बल्लेबाजी इनकी टीम करती है उस सिचुएशन में। देवदत्त पड़ीकल अगेंस्ट पंजाब किंग्स 7 मैच खेले, 117 उन्होंने स्कोर किया विद एवरेज ऑफ 24। ग्राउंड पर अभी तक कोई भी मैच खेले नहीं है, रीसेंट फॉर्म इनका बहुत ही नेक्स्ट लेवल रहा है। लास्ट मैच को अगर आप छोड़ दे जहां पर शून्य के स्कोर पर आउट हुए थे, इसके अतिरिक्त जितने भी ये इनिंग्स खेल करके आ रहे, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, सभी के अंदर ये अच्छे रन किए। इनका जो टेस्ट डेब्यू हुआ था वहां पर भी काफी डिसेंट स्कोर ये करके आ रहे हैं। इस मैच के ना सबसे बड़े गेम चेंजर ट्रम्प कार्ड प्लेयर होने वाले, स्लो विकेट पर बल्लेबाजी करना पसंद है, दूसरी चीज स्पिन को ज्यादा बेहतर तरीके से खेलते हैं फास्ट बॉलर के कंपैरिजन में, और यहां पर आपको स्पिनर्स गेंदबाजी डोमिनेट करते नजर आएंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग देवदत्त पड़ीकल वाइल बैटिंग फर्स्ट वाइल बैटिंग सेकंड, स्मॉल लीग्स हो ग्रैंड लीग्स हो दोनों टीम्स के अंदर आप इनको इंक्लूड कर सकते हो। मुझे इस मैच में इनसे रन की बहुत ज्यादा उम्मीद है, फॉर्म नेक्स्ट लेवल है, लास्ट मैच के अंदर आउट हो गए, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज्यादा कम इस मैच के अंदर, और इस मैच में जैसे ही परफॉर्म करेंगे सिलेक्शन परसेंटेज इनका इंक्रीज हो जाएगा। तो आज के इस मैच में आप जरूर एज ए डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर ट्राई करके अपने फैंटेसी टीम में चले, और ग्रैंड लीग्स में आप लोग एक आधी टीम में वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। आयुष बदौनी अगेंस्ट पंजाब किंग्स टोटल 3 मैचेस खेले, 52 इन्होंने स्कोर किया, वेन्यू पे 7 मैच खेले, 94 के इन्होंने स्कोर किया, एक इनिंग सिर्फ आपको बढ़िया देखने को इस वेन्यू पे इनका मिलेगा। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनका रहा, लास्ट मैच के अंदर हालांकि ज्यादा कुछ बड़ा कर नहीं पाए, एक रन बल्ले से, बॉलिंग से एक ओवर इन्होंने बॉलिंग किया बट विकेट लेस रहे थे। अब देखो लास्ट ईयर एक मैच खेला गया था सीएसके के अगेंस्ट इसी वेन्यू पे, जहां पर सभी बल्लेबाज लखनऊ सुपर जायंट्स के फ्लॉप हो गए थे एक्सेप्ट आयुष बदौनी, जो कि 40 प्लस स्कोर पे नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे थे और बारिश के कारण वो मैच नहीं हो पाया था। तो ग्रैंड लीग्स के अंदर आप लोग इनको ट्राई करना, रोटेशन स्ट्रेटजी आपको यहां पर यूज करना है, क्विंटन डिकॉक, आयुष बदौनी एंड दीपक हुड्डा जिनके बारे में आगे डिस्कस करने वाले, इन तीनों को आपको रोटेट करके ग्रैंड लीग्स कॉम्बिनेशन क्रिएट करने हैं। स्मॉल लीग्स में आयुष बदौनी फिलहाल के लिए मुझे रिस्की नजर आ रहे हैं, ये ना क्या करते हैं पारी को बिल्डअप करते हैं, आते ही बड़ी शॉट्स के लिए ट्राई नहीं करेंगे, रुककर टिककर बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़े तो पार्टी में आपको एक से दो ओवर की बॉलिंग करके भी दे सकते हैं, ऑफ स्पिन डालते हैं और सामने आपको लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है। तो जीएल के अंदर ये आप रोटेशन जरूर करके चलिएगा। नेक्स्ट आपको दिखेंगे दीपक हुड्डा, जिनका स्ट्रगल जितने भी आपको सामने गेंदबाज दिखेंगे अभी करंटली पंजाब किंग्स के, उन किसी भी गेंदबाज के अगेंस्ट आउट नहीं हुए, हालांकि रिकॉर्ड अभी तक ज्यादा कुछ खास रहा नहीं है, 21 का ही सिर्फ एवरेज है और वेन्यू पे तो बहुत ही ज्यादा साधारण इनका रिकॉर्ड है। लास्ट मैच के अंदर लाइक अच्छे टच में दिखे थे, 26 के इन्होंने स्कोर किया और डोमेस्टिक के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। सो दीपक हुड्डा, आयुष बदौनी एंड क्विंटन डिकॉक तीनों को रोटेट करके चलना ग्रैंड लीग्स के अंदर, स्मॉल लीग्स में थोड़े से मुझे रिस्की ऑप्शन नजर आ रहे हैं। निकलस पुरन अगेंस्ट पंजाब किंग्स 4 मैच खेले, 85 इन्होंने स्कोर किया, वेन्यू पे 8 मैच खेले, 89 इन्होंने स्कोर किए, लास्ट मैच के अंदर 64 नॉट आउट स्कोर करके आ रहे हैं। इससे पहले अगर आप इनकी फॉर्म देखोगे तो ठीक ठाक आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब देखो इस विकेट पे निकलस पुरन ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, हो सकता है 10 से 20 आपको स्कोर करके देते, इससे ज्यादा बड़ी पारी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, ठीक है। सामने अगर आप देखोगे तो रबाडा ने बहुत ज्यादा इनको परेशान किया है और भी जो उनके स्पिनर्स हैं जो मिडिल फेज में बॉलिंग करते हैं उन्होंने भी इनको परेशान किया हुआ है, ठीक है। तो इस पिच पे और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद निकलस पुरन से नहीं है, तो आप लोग इनको इस मैच में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। मार्कस स्टोइनिस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और इवन आप कह सकते हो डिफरेंशियल चॉइस हो सकते हैं फॉर वाइस कैप्टन। कैप्टन 50 का एवरेज अगेंस्ट पंजाब किंग्स, इनका सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसी टीम के अगेंस्ट रहा आईपीएल में तो है पंजाब किंग्स की टीम, 4 विकेट्स भी निकाले हैं और ग्राउंड पर भी देखो काफी बेहतर है, बॉलिंग से भी आपको यहां पर अच्छा रोल प्ले करते नजर आ सकते हैं और बैटिंग से तो ऑब्वियसली इनकी बैटिंग आएगी तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रिसेंट फॉर्म देखोगे तो ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा फ्रेंड्स बैटिंग से इनका परफॉर्मेंस डाउन गया लेकिन बॉलिंग से बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे। लास्ट मैच के अंदर इनसे बॉलिंग नहीं कराया गया था बट मुझे लगता है इस मैच में इनसे बॉलिंग कराया जाएगा और बॉलिंग करते हैं तो ये पक्का विकेट निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा फ्रेंड्स यहां पर वेरिएशन करते हैं, स्लोअर बॉल डालते हैं, कटर बॉल डालते हैं, बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, डेथ में भी बॉलिंग करने आ सकते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग मार्कस स्टोइनिस को स्मॉल लीग्स के अंदर एज अ प्लेयर, जीएल अगर आप टीम बना रहे हैं तो वहां पर लोग वाइस कैप्टन भी कुछ टीम्स में कर सकते हैं। कृणाल पांड्या अगेंस्ट पंजाब किंग्स 14 मैच खेले, 8 विकेट्स निकाले, 20 के एवरेज 160 इन्होंने स्कोर किया, वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ही नेक्स्ट लेवल रहा है स्पेशली विद बैट, 8 मैच के अंदर 153 इन्होंने स्कोर किया, 31 के एवरेज से प्लस 6 विकेट निकाले हैं। पहले अगर बॉलिंग करती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम तो आपके लिए काफी ये इंपॉर्टेंट चॉइस होंगे और एक आधी टीम में आप लोग वीसीबी इनको ट्राई कर सकते हो। सेकंड बॉलिंग करती है तो एज अ प्लेयर आप लोग स्मॉल लीग्स और ग्रैंड लीग्स के अंदर पिक करके चलिएगा। हालिया फॉर्म ज्यादा इनका
ज्यादा बेहतर नहीं रहा, स्पेशली बॉलिंग से, बैटिंग से जरूर इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। अब देखो आज के इस मैच में इनका रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। रीजन क्या है, इनको इस पिच से मदद देखने मिलेगा, ठीक है, और बैटिंग कराती है तो वहां पर भी ये 10-20 रन कर देंगे, एक विकेट निकाल दे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि बैटिंग से डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो हम उम्मीद करते हैं कि 10-20 रन तो कर ही सकते हैं, और बॉलिंग से यहां पर इफेक्टिव रहते हैं स्पिनर्स तो वहां पर इनको हेल्प देखने को मिलेगा ही, तो इनको आप ट्राई करके इस मैच में चलिएगा। रवि बिश्नोई वाइल बॉलिंग फर्स्ट बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कैप्टन वाइज कैप्टन के लिए। 3 मैच खेले हैं, 5 विकेट्स निकाले हैं, वेन्यू पे 7 मैच 9 विकेट्स, और रिसेंट फॉर्म देखोगे तो भी आपको बेहतर यहां पर देखने को मिल जाएगा। लास्ट मैच के अंदर थोड़ा सा इनको मार पड़ गया था, बट स्टिल बॉलर है तो मार पड़ सकता है, लेकिन इस पिच पर रवि बिश्नोई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मिनिमम 2 विकेट निकाल सकते हैं अगर पहले इनकी बॉलिंग आती है तो, और वहां पर आप लोग वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। नबीन उल हक अगेंस्ट पंजाब किंग्स 1 मैच खेले, 3 विकेट्स निकाले, वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ही इनक्रेडिबल है, 7 मैच 9 विकेट्स, और लास्ट मैच के अंदर भी शानदार 2 विकेट्स निकाले। डेथ में बॉलिंग करेंगे, नई बॉल से बॉलिंग करेंगे, मिडिल फेज में जरूरत पड़ेगी वहां पर बॉलिंग कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट फ्रेंड्स इन्होंने सभी बल्लेबाज जो पंजाब किंग्स के उनको इन्होंने परेशान किया हुआ है। सो नबीन उल हक वाइल बॉलिंग फर्स्ट, आप लोग सीबीसी इनको कंसिडर कर सकते हो, इवन सेकंड बॉलिंग करें फिर भी आप ट्राई इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। यश ठाकुर ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, 1 मैच 4 विकेट्स वाइल बॉलिंग सेकंड, और ग्राउंड पर 3 मैचेस खेले, 3 विकेट्स निकाले हैं। रिसेंट फॉर्म देखोगे तो देखो डोमेस्टिक के अंदर ठीक ठाक परफॉर्म करके आ रहे हैं। लास्ट जो मैच इन्होंने खेला तो वहां पर इनको मार पड़ा था और 3 ओवर की बॉलिंग के बाद विकेट ले रहे थे, लेकिन देखो वहां पर ग्राउंड डायमेंशन छोटा था, यहां पर ग्राउंड डायमेंशन बड़ा है, और ये ज्यादातर मैंने आपको बता दूं शॉर्ट बॉल लेंथ बॉल का इस्तेमाल करते हैं, इनको विकेट्स इस पिच पर अगेंस्ट पंजाब किंग्स मिल सकता है। तो जीएल के बहुत बड़े ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, ठीक, अगर आप लोग इस मैच में लखनऊ जायंट्स के फेवर में अपनी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं तो ये प्लेयर आपकी टीम में होना ही चाहिए, ठीक है, और इवन आप लोग इनको वाइस कैप्टन तक कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हो। मोहसिन खान भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, 1 मैच खेले, 3 विकेट्स निकाले पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, और इस वेन्यू पे 1 मैच खेले, 1 विकेट निकाले। रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखोगे डोमेस्टिक के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, और लास्ट मैच के अंदर भी काफी अच्छी बॉलिंग इन्होंने किया था, नई बॉल से डेथ में दोनों जगह आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। तो आपको ना एक कॉम्बिनेशन ऐसा जरूर क्रिएट करना है जो लखनऊ सुपर जायंट्स को आप वन साइड जीतते हुए देखना चाहते हो, ठीक है, और उस के सिचुएशन को ध्यान में रखते आप एक कॉम्बिनेशन बनाइएगा जहां पर मोहसिन खान, यश ठाकुर, नबीन उल हक, रवि बिश्नोई, कृणाल पांडे, ये सभी गेंदबाज आपके टीम में होने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आप पंजाब किंग्स के जो बल्लेबाज उनको ड्रॉप कीजिएगा। एक वन साइडेड कॉम्बिनेशन लो स्कोरिंग मान करके आपको क्रिएट ऐसा करना है, ठीक है, और ये मैच ऐसा एक हो चुका है लास्ट ईयर ही, ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स ये चीज वर्क कर सकता है, और जैसे मैंने बताया कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करने के लिए वैसा आप कैप्टन वाइस कैप्टन उस प्लेयर को दे सकते हो। ये सभी के सभी प्लेयर आपके लिए सीबीसी के लिए टॉप चॉइस होंगे, रवि बिश्नोई, नबीन उल हक, यश ठाकुर, मोहसिन खान, ऑल 4 बॉलर्स आर गुड फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप यहां पर कॉम्बिनेशन लखनऊ जायंट्स के फेवर में क्रिएट करते हैं तो। बेंच से देखो अगर किसी प्लेयर को खेलने का मौका मिलता है, जो भी स्टैट्स एंड रिकॉर्ड्स होंगे आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में आपको पिंट लिंक मिल जाएगा। नई बॉल से बॉलिंग नबीन उल हक, मोहसिन खान, कृणाल पांडे एंड रवि बिश्नोई करेंगे, डेथ में नबीन उल हक, मोहसिन खान, यश ठाकुर एंड रवि बिश्नोई करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं आज के अपने गिव अवे क्वेश्चन के बारे में। आपको सिंपली बताना है आज के इस मैच के अंदर केएल राहुल कितना स्कोर करेंगे। जो भी फर्स्ट 5 यूजर इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे वो गिव अवे प्राइज विन कर जाएंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, और टेलीग्राम को भी जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको 20 ग्रैंड लीग टीम इस मैच का और फाइनल स्मॉल लीग टीम मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। अब हम डिस्कस करते हैं पंजाब किंग्स टीम के हर एक प्लेयर के बारे में फुल डिटेल में। स्टार्ट करते हैं शिखर धवन से। अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, 2 मैच खेले ओनली 6 स्कोर कर पाए, ग्राउंड पर 1 मैच खेले थे लास्ट टाइम 43 ने स्कोर किया था वाइल बैटिंग फर्स्ट। अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखेंगे, फर्स्ट मैच 22, सेकंड मैच 45, दोनों ही मैचेस के अंदर स्टार्ट इनको अच्छा मिला था, लेकिन उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अब देखो धवन भी ने स्टार्टिंग बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है, काफी संभल संभल कर बल्लेबाजी करते हैं। स्टार्टिंग में इनके लिए मेरे अकॉर्डिंग जो थ्रेट हो सकते हैं, रवि बिश्नोई को अगर स्टार्टिंग में पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कराया जाता है तो इनके लिए एक थ्रेट हो सकते हैं। थोड़ा सा गुगली बॉल के सामने फ्रेंड्स ये स्ट्रगल करते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखोगे इनका रिसेंट फॉर्म तो भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो धवन को आप लोग ना स्मॉल लीग्स के अंदर एज अ प्लेयर पिक कीजिएगा, मैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बाकी ग्रैंड लीग्स की टीम बना रहे हो ना, और स्पेशली पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले में चेज कर रही है, तो आप लोग उस सिचुएशन में इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि मुझे सेकंड बैटिंग करते हुए इनसे ज्यादा उम्मीद इस मैच में नहीं है। जॉनी बेस्टो अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स 1 मैच खेले, 32 का इन्होंने स्कोर किया, वेन्यू पर अभी तक कोई मैच खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म बहुत बड़ा इनका कंसर्न है, चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या फिर रेड बॉल क्रिकेट, सभी जगह ये लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन आईपीएल के दोनों इनिंग्स आप देख सकते हो सिंगल डिजिट स्कोर इन्होंने किया था।
अब देखो इस पिच से भी ज्यादा इनको मदद देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आते ही बॉल वन से हिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और यहां पर वो चीज वर्क डेफिनेटली नहीं करेगा। ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा यहां पर, तो ही आप यहां पर बड़ी पारी खेल सकते हो। जल्दबाजी करोगे तो आपका विकेट जा सकता है और सामने स्पिनर्स भी होंगे जिसके सामने इनका स्ट्रगल रहता है। रवि बिश्नोई है, कृणाल पांड्या है, हाई चांसेस मैच के अंदर फ्लॉप होंगे। रवसिमरन सिंह अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स 2 मैच खेले, 13 इन्होंने स्कोर किए, इस वेन्यू पे 5 मैच खेले, 186 इन्होंने स्कोर किया। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक इनका परफॉर्मेंस रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, और इवन लास्ट के दोनों आईपीएल मैच में इनको स्टार्ट मिला था लेकिन उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। हालांकि इस पिच पर इनके लिए बल्लेबाजी थोड़ी सी मुश्किल रही क्योंकि फास्ट बॉलर को अच्छे तरीके से खेलते हैं, स्पिन के सामने कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये स्ट्रगल करते हैं, तो स्पेशली इनको तब ड्रॉप कीजिएगा जब पंजाब किंग्स की टीम इस मैच के अंदर सेकंड बल्लेबाजी करे। हालांकि पहले भी बैटिंग करती है तो स्मॉल लीग्स में आपको पिक नहीं करना, जीएल के अंदर ट्राई कीजिएगा। बाकी अगर सेकंड बल्लेबाजी आती है तो आप दोनों जगह ड्रॉप कर सकते हो, स्मॉल लीग्स और ग्रैंड लीग्स के अंदर भी। लियम लिविंगस्टोन 2 मैच खेले, 41 का इन्होंने स्कोर किया अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स। इस वेन्यू पर अभी तक कोई मैच खेले नहीं है, फर्स्ट आईपीएल मैच के अंदर 38 नॉट आउट और सेकंड मैच के अंदर इन्होंने 17 का स्कोर किया। अगर आप सामने थ्रेट देखोगे ना तो एक बार इनको बिश्नोई ने आउट किया है, एक बार इनको मोहसिन खान ने आउट किया और एक बार इनको कृणाल पांडे ने आउट किया है। अब देखो इस पिच पे ना लियम लिविंगस्टोन की बैटिंग भी बहुत ज़्यादा आपको बेहतर देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर गति रहती नहीं है पिच के अंदर, बॉल रुक करके बल्ले पे आता है तो हिटिंग के चक्कर में अपना ये विकेट डेफिनेटली इस मैच में गिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ी पारी की मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आज के मैच में बॉलिंग कर तो दिख जाए क्योंकि पिच से स्पिनर्स को मदद रहेगा और ये ऑफ स्पिन भी डालते हैं, लेग स्पिन भी डालते हैं, तो इस बॉलिंग से आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर इनको बॉलिंग मिलता है तो पक्का विकेट निकाल सकती है, लिख करके रख लीजिए। रिसेंट फॉर्म देखोगे ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस इनका हालिया देखने को मिलेगा। सो स्मॉल लीग्स में भी रिस्की मुझे नजर आ रहे हैं और ग्रैंड लीग्स के अंदर आप ट्राई करना चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली मैं तब रेकमेंड करूंगा जब इनकी टीम चेज करे, क्योंकि चेज कर तो ज्यादा इनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। श्याम करन इंपॉर्टेंट रहेंगे, मस्ट है पिक होंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए डिसेंट चॉइस होंगे, काफी ज्यादा ही वेरिएशन करते हैं, नई बॉल से बॉलिंग करेंगे, डेथ में बॉलिंग करेंगे, कटर बॉल डालते हैं, स्लोअर बॉल डालते हैं और बैटिंग से भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स 2 मैच 27+4 विकेट्स, ग्राउंड पर एक ही मैच खेले, देखो 3 विकेट्स निकाला है और पहले बॉलिंग आती है पंजाब किंग्स की, तो फिर से आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए श्याम करन बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइस होंगे। रिसेंट फॉर्म भी नेक्स्ट लेवल है, फर्स्ट मैच के अंदर 63+0 विकेट, सेकंड मैच के अंदर 23+1 विकेट, तो इस मैच के अंदर मैक्सिमम टीम में पिक करके इनको चलेंगे। जितेश शर्मा 3 मैच खेले, 28 का इन्होंने स्कोर किया, वेन्यू पे 1 मैच खेले, 2 के स्कोर किए, फर्स्ट मैच 9, सेकंड मैच के अंदर 27 इन्होंने स्कोर किया। रिसेंट फॉर्म आप लोग देख सकते हो, ज्यादा कुछ खास आपको देखने को मिलेगा नहीं, पहले बल्लेबाजी करती है पंजाब किंग्स की टीम, तो एक आधी टीम में ट्राई कर सकते हो, बाकी सेकंड बल्लेबाजी करे तो मैक्सिमम टीम में ड्रॉप करना है और स्मॉल लीग्स के अंदर रिस्की ऑप्शन इस मैच में नजर आ रहे हैं। शशांक सिंह काफी नीचे बल्लेबाजी करते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि इनकी बैटिंग आ जाएगी। हेड टू हेड के अंदर अभी तक कोई मैच खेले नहीं है, वेन्यू पे 4 मैच खेले, 41 के इन्होंने स्कोर किया है। डोमेस्टिक फॉर्म बहुत ही नेक्स्ट लेवल आपको इनक्रेडिबल देखने को मिलेगा, काफी अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहा हूं लास्ट मैच में और थोड़ा बहुत इन्होंने दिखा भी दिया कि हाँ किस तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी पारी की उम्मीद मुझे इस मैच में नहीं। स्मॉल लीग्स के अंदर काफी ज्यादा रिस्की ऑप्शन होंगे, जीएल के अंदर आप चाहो तो एक आधी टीम में इनको ले सकते हो। हरप्रीत बरार अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स 1 मैच खेले, 1 विकेट निकाले, वेन्यू पे 5 मैच खेले, 4 विकेट्स निकाले हैं। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा रहा है, स्पेशली ये तब इंपॉर्टेंट रहेंगे जब पंजाब किंग्स की टीम सेकंड बॉलिंग करेगी सेकंड इनिंग्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में हो सकता है कि एक आधी विकेट निकाले, सेकंड बॉलिंग करते तो इनका रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिच और ज्यादा यूज होगा और यहां पर स्पिनर्स को दूसरी पारी में ज्यादा मदद मिलता है। हर्षल पटेल अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स 4 मैच खेले, 6 विकेट निकाले हैं, वेन्यू पे 2 मैच खेले, 1 विकेट निकाले हैं, फर्स्ट मैच 2 विकेट, सेकंड मैच 1 विकेट। अब देखो इनका रोल दोनों इनिंग्स के अंदर इंपॉर्टेंट रह सकता है, फर्स्ट इनिंग में तो इंपॉर्टेंट रहेंगे रहेंगे क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे 2 ओवर, सेकंड इनिंग्स में तब इनका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जब यहां पर पंजाब किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हो अच्छा स्कोर कर देती है और अगर आपको लगता है कि टारगेट डिफेंड होगा तो इनको काफी ज्यादा विकेट्स मिल सकते हैं सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन को ध्यान में रख करके आपको अपनी कॉम्बिनेशन क्रिएट करने स्मॉल लीग्स में एज अ प्लेयर पिक कीजिएगा, सीबीसी के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। हर्षदीप सिंह अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स 3 मैच खेले, 2 विकेट्स निकाले हैं, वेन्यू भी फ्रेंड्स इन्होंने 6 मैचेस खेले, 4 विकेट्स निकाले हैं। रिसेंट फॉर्म देखोगे तो फर्स्ट मैच के अंदर 2 विकेट, सेकंड मैच के अंदर 0 विकेट। अब देखो हर्षदीप सिंह का अगर आप करियर स्टैट्स उठाकर के देखेंगे तो पहले बॉलिंग कर तो ज्यादा इनका बेहतर आपको रिकॉर्ड देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू बॉलिंग सेकंड। ठीक है, और काफी सारे ऐसे बल्लेबाज हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के जिनको इन्होंने परेशान किया, इन्होंने आउट किया हुआ, तो पहले बॉलिंग आती है तो हर्षदीप सिंह आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इस मैच के अंदर रहेंगे। राहुल चहर 3 मैच खेले, 2 विकेट्स निकाले, वेन्यू पे 1 मैच खेले, विकेट ले रहे हैं। अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो फर्स्ट मैच के अंदर 4 ओवर की बॉलिंग किए थे, 1 विकेट निकाले, लास्ट मैच के अंदर पहली ओवर में इनको मार पड़ा और वहां पे फ्रेंड्स फिर धवन इनसे बॉलिंग नहीं कराया था। ठीक है, अगर आप मैचअप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट हर एक बल्लेबाज जो भी लखनऊ सुपर जायंट्स के सब ने इनको काफी अच्छे से बल्लेबाजी की, किसी के अगेंस्ट ज्यादा इनका बेहतर रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा नहीं। अब इनको विकेट तभी मिलेगा जब सामने वाले बल्लेबाज खुद विकेट गिफ्ट करे, ठीक है, हिटिंग के चक्कर में, हालांकि पिच से मदद रहेगा नो डाउट और डोमेस्टिक के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, तो अगर पंजाब किंग्स के फेवर में आप टीम बना रहे हैं तो वहां पर इनको डेफिनेटली आप लोग
टीम में ट्राई कर सकते हो। कगिशोर अबाडा एज यूजुअल इस टाइप के पिचेस पे बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव रहेंगे। एक मैच खेले इस पिच पे दो विकेट निकाले और जिस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। पहले बॉलिंग करें तो रबाडा को फ्रेंड्स आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ट्राई यहां पर कर सकते हो। डेथ में बॉलिंग करेंगे, नई बॉल से बॉलिंग करेंगे और ऑलमोस्ट जितने भी बल्लेबाज आपको लखनऊ सुपर जायंट्स के दिखेंगे सबको इन्होंने परेशान कर रखा है। रिसेंट फॉर्म भी आपको शानदार देखने को मिल जाएगा। बेंच से अगर किसी प्लेयर को खेलने का मौका मिलता है जैसे सिकंदर राजा इस मैच में खेल सकते, खेलेंगे, मस्ट है पिक होंगे, आप लोग आंख बंद करके इनको इस मैच में ट्राई कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त और कोई भी प्लेयर खेलता है उनके जो भी स्टैट्स रिकॉर्ड्स होंगे आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन में सबसे टॉप कॉमेंट में मिल जाएगा, तो जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नई बॉल से कगिशोर अबाडा, श्याम करण एंड हर्षदीप सिंह बॉलिंग करेंगे। डेथ में कगिशोर अबाडा, हर्षदीप सिंह, श्याम करण एंड हर्षल पटेल बॉलिंग करेंगे। प्लेयर बैटल मैचअप्स की बात करूं, केएल राहुल का भी स्ट्रगल देख सकते हो। एक बार इनको हर्षदीप सिंह ने आउट किया, तीन बार कगिशोर अबाडा, एक बार हर्षल पटेल, एक बार श्याम करण और एक बार राहुल जर, यानी सबको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बल्लेबाजी की है। क्विंटन डिकॉक का दो बार यहां पर हर्षदीप सिंह ने आउट किया, एक बार कगिशोर अबाडा, रबाडा का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है और एक बार इनको श्याम करण ने आउट किया हुआ है। देवदत्त पडिकल को तीन बार हर्षदीप सिंह ने आउट किया, एक बार हर्षल पटेल, बाकी सभी गेंदबाज के अगेंस्ट रिकॉर्ड नेक्स्ट लेवल शानदार है। दीपक हुड्डा को अभी तक जितने भी गेंदबाज आपको करंटली स्क्वाड में दिखेंगे पंजाब किंग्स के किसी भी गेंदबाज ने फ्रेंड्स इनको अभी तक आउट नहीं किया है। निकलस पुरन को तीन बार रबाडा ने आउट किया है, एक बार हर्षदीप सिंह, एक बार हर्षल पटेल और एक बार इनको श्याम करण आउट किया। बहुत बड़ी पारी की उम्मीद इस पिच पर नहीं है इनसे मुझे। मार्कोस ट्विनिस को दो बार हर्षल पटेल ने आउट किया, तीन बार श्याम करण और एक बार फ्रेंड्स इनको राहुल चहर ने आउट किया। राहुल चहर के रिकॉर्ड देख लो, स्ट्राइक रेट देख लो, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट है, तो ये इसको हम थ्रेट नहीं बोलेंगे, इसको स्ट्रगल नहीं बोलेंगे। इनका जो स्ट्रगल रहा है ना वो हिटिंग के चक्कर में फ्रेंड्स विकेट गिफ्ट करते हैं, क्योंकि जिस फेज में बल्लेबाजी कर रहे हैं उस फेज में हर्षल पटेल और यहां पर श्याम करण बॉलिंग कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखेंगे शिखर धवन, इनको फ्रेंड्स एक बार रवि बिश्नोई ने आउट किया, जैसा हमने बात भी किया पावर प्ले में अगर बिश्नोई आते हैं बॉलिंग करना थ्रेट हो सकती है इस पिच पे इनके लिए। मार्कोस ट्विनिस को एक बार आउट किया, बाकी सभी गेंदबाज के रिकॉर्ड बढ़िया रहा है। जॉनी वेस्टो को कृणाल पांड्या और यहां पर रवि बिश्नोई ने एक बार आउट किया, साथ में नवीन उलहक ने भी इनको एक बार आउट कर फॉर्म भी बहुत बड़ा कंसर्न है। श्याम करण को फ्रेंड्स एक बार नवीन उलहक, एक बार रवि बिश्नोई और एक बार मार्कोस ट्विनिस ने आउट किया। बैटिंग से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना, बॉलिंग से ज्यादा इस मैच उम्मीद करके चलिएगा। जितेश शर्मा को एक बार यश ठाकुर और एक बार कृणाल पांडे ने आउट किया है। लियम लिविंगस्टोन को फ्रेंड्स एक बार रवि बिश्नोई, एक बार कृणाल पांड्या एंड एक बार मोहसिन खान ने आउट किया। बहुत बड़ी पारी की उम्मीद नहीं है, खासतौर पर पहले बल्लेबाजी करते हैं तब। बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन फॉर स्मॉल लीग्स, देखो केएल राहुल एक बहुत ही सेफ चॉइस है और बेस्ट चॉइस भी आप कह सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरीके से स्पिन को खेलते हैं, फिर स्लो विकेट पे खेलते हैं, वो इनसे बेहतर और कोई नहीं खेलता। जो भी आपको आज के मैच में 22 या फिर 24 प्लेयर खेलते दिखेंगे, इनसे बेहतर कोई भी बल्लेबाजी नहीं करता अगेंस्ट स्पिन या फिर स्लो विकेट पे। ठीक है, तो राहुल वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट आपके लिए सीवीसी के लिए बहुत बेहतरीन चॉइस होंगे। धवन एक सेफ चॉइस है बट मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, है ना, जनता के आपको दिख सकते हैं बट मुझे बहुत बड़ी पारी इस मैच में इनसे नजर नहीं आ रही है। श्याम करण वाइल्ड बॉलिंग फर्स्ट, पहले बॉलिंग करें बहुत ही शानदार चॉइस होंगे। राहुल और इनको इकट्ठे एक टीम में ट्राई कर सकते हो। बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन फॉर ग्रैंड लीग्स, रवि बिश्नोई दोनों इनिंग्स में कर सकते हो, स्पेशली बॉल फर्स्ट में आप इनको ट्राई करना। नवीन उल हक को दोनों इनिंग्स में कर सकते हो और कगिशोर अबाडा को भी दोनों इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो, स्पेशली बॉल फर्स्ट में ज्यादा रेकमेंड करूंगा। फिलहाल के लिए मेरा डेमो टीम है फाइनल ग्रैंड लीग्स और स्मॉल लीग्स टीम आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में है, तो जरूर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। विकेट कीपर सेक्शन से केएल राहुल मेरी टीम के कैप्टन, क्विंटन डिकॉक को फिलहाल के लिए ट्राई किया। बैटिंग सेक्शन से शिखर धवन, ऑलराउंडर सेक्शन से वाइस कैप्टन में ट्राई करके चल रहा हूं श्याम करण को, मार्कोस ट्विनिस, कृणाल पांडे मेरी टीम में देखने को मिल जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन से कगिशोर अबाडा, हर्षल पटेल, रवि बिश्नोई, नवीन उलहक एंड मोहसिन खान को मैं पिक करके खेल रहा हूँ। इस टीम में कई सारे चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू टॉस पिच, प्लेइंग 11 एंड बैटिंग ऑर्डर, सो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से 20 ग्रैंड लीग्स प्लस फाइनल स्मॉल लीग्स टीम इस मैच का आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा।